पुरुष नसबंदी क्या है और ये कैसे होती है और ये क्यों जरूरी है, तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में आज के अपने इस छोटे से वीडियो में। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये मेल सेक्स पार्ट है। क्या है? मेल सेक्स पार्ट। अब इस मेल सेक्स पार्ट को आपको बेसेक्टोमी या पुरुष नसबंदी बताने से पहले हम आपको बताते हैं वीर्य के बारे में। किसके बारे में? वीर्य, जो सीमेन होता अपना, जो वीर्य है। वीर्य क्या? दो भागों से मिलकर के बना होता। एक अपना क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं, जिन्हें हम शुक्राणु बोलते हैं, स्पर्म या शुक्राणु। और जो दूसरा होता है अपना क्या होता है? वो होता है सेमिनल फ्लूड। क्या होता है? सेमिनल फ्लूड, सेमिनल फ्लूड या शुक्र द्रव। ये जो सेमिनल फ्लूड है ये हमें प्राप्त होता है अपने किससे? सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से। और जो अपने शुक्राणु है वो कहां निर्माण होता है उनका? अपने टेस्टिस या वृषण में। तो जो अपने शुक्राणु हो वृषण से होते हुए अपने किससे? शुक्र वाहिका या बास डिफरेंस से होते हुए यहीं पर क्या, अपने जो शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल है वो अपना फ्लूड इसी नली में छोड़ देते हैं और इसी नाली से होते हुए क्या होते हैं? यूरेथ्रा या पेनिस के थ्रू क्या होते हैं? बाहर हो जाते हैं। अगर क्या है, संभोग हुआ है तो ये जो अपना वीर्य बना है ये किसमें? वजाइना में छोड़ दिया था। इसी से क्या होता है? निश्चय क्रिया होती है और क्या होता है? अपना बच्चा बनता है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं? जो अपनी बास डिफरेंस है या शुक्र वाहिका होते हैं उसमें कहते हैं हल्का सा चीरा लगाते हैं, कट लगाते हैं, उसको क्या करते हैं? टाइट बांध देते हैं। तो यहां से जो अपना क्या है, शुक्राणु निकल के जा रहे थे और क्या, किसका निर्माण कर रहे थे? वीर्य का निर्माण कर रहे थे। तो यहां से क्या होते हैं? शुक्राणुओं का जाना। यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर क्या शुक्राणु क्या हो रहे हैं? आगे नहीं जा पाएंगे। तो शुक्राणुओं का जाना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो जो वीर अपना, ऐसा नहीं है कि वीर बने नहीं, वीर बराबर बनता रहेगा। तो जो वीर में जो अपना बनेगा उस वीर में क्या होगा? शुक्राणुओं की क्या होगी? अनुपस्थिति होगी। जब शुक्राणु ही नहीं होंगे तो क्या होगा? निषेचन नहीं होगा। तो यहां पर एक मिथ्या होती है, पुरुष सोचते हैं कि अगर हमने नसबंदी करा लेगी तो उनकी क्या होगी? मर्दानगी चली जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, पुरुषों की मर्दानगी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि शुक्राणु का निर्माण अपने वृषण में बराबर होता रहेगा और क्या, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो जिससे क्या होती है मर्दानगी के जो लक्षण आते हैं वो हार्मोन भी क्या होगा? लगातार बनता रहेगा। इस वजह से क्या होगी कि जो मर्दानगी है वो भी क्या होगी? कायम रहेगी। बस फर्क ये है कि जो अपने शुक्राणु जाकर के वीर्य में मिल रहे थे तो यहाँ पर जो कट लगाने की वजह से और बांधने की वजह से शुक्राणु यहाँ से नहीं जा पाएंगे। तो वीर्य में क्या, शुक्र की क्या होगी? शुक्राणु जो अपने हैं उनकी क्या हो जाएगी? अनुपस्थिति हो जाएगी। और जब वीर्य में शुक्राणु ही नहीं होंगे तो क्या होंगे? निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी। और निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा? बेबी का बर्थ नहीं हो पाएगा या क्या, बच्चा नहीं बनेगा। इससे क्या होगा? जनसंख्या पर क्या होगा? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्या? अपनी जनसंख्या वृद्धि रुकती आएगी। इसलिए क्या, पुरुष नसबंदी महिला नसबंदी से क्या होती है? आसान होती है और सरल तरीके से हो जाती है। इसलिए पुरुष नसबंदी को कराने की सलाह दी जाती है। तो आपको ये जानकारी की अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस जानकारी को आप आगे ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।